क्या आप किसी का भी व्हाट्सएप का स्टेटस को डाउनलोड करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं अपने गैलरी में या फाइल ऐप में, तो आप आसानी से सेव या डाउनलोड कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप का स्टेटस को अपने गैलरी में या फाइल में कैसे कॉपी या सेव या डाउनलोड कर सकते हो। सो इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले आपको अपने फोन में व्हाट्सएप ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अपडेट वाले सेक्शन पर नीचे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा रिसेंट में जो भी अपलोड किया होगा स्टेटस व्हाट्सएप का आपके सामने आ जाएंगे। जिसके भी आप चाहते हैं व्हाट्सएप स्टेटस अपने गैलरी में सेव करना, फाइल में डाउनलोड करना या सेव करना आसानी से कर सकते हैं और गैलरी में भी आ जाएगा। चलिए दिखाते हैं। याद रहे व्हाट्सएप स्टेटस को आपको यहाँ पूरा देख रहा है, जब तक ये खत्म ना हो तब तक आपको यहाँ बैक वगैरह नहीं करना है। चलिए मैं यहाँ पर पूरा देख लेता हूँ। जब आप देख लेंगे, देखने के बाद आप यहाँ देखेंगे स्टेटस यहाँ से हट चुका है, यहाँ आ गया है। आप यहाँ देखिए इसका मैं देखा था स्टेटस, आप यहाँ देखिए यहाँ आ चुका है। इसे गैलरी में सेव करना हो या डाउनलोड करना हो या फाइल में सेव करना हो, इसके लिए आपको यहाँ अपने फ़ोन में फाइल ऐप को ओपन करना है, जो कि सभी के फ़ोन में इनबिल्ट इंस्टॉल रहता है। अभी फ़िलहाल जो फ़ोन आ रहे हैं उन सभी में इस तरह के ऐप मिल जाएंगे। आप यहाँ देखिए फाइल मैनेजर को ओपन न करके फाइल ऐप को ओपन करेंगे, इस तरह के लोगों वाले होंगे। आप यहाँ देखिए इस ऐप को आप ओपन करेंगे। अगर आपको यहाँ खोजने पर इस तरह नहीं मिलता है तो आप यहाँ सर्च बार पर क्लिक करके आप यहाँ फाइल्स को सर्च करेंगे। जब आप यहाँ सर्च करते हैं आपके सामने आ जाएंगे, इस ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ देखेंगे जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा इंटरनल स्टोरेज, नीचे में आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऊपर करना है या नीचे आपको मिल जाए, कहीं पर भी आपको एंड्रॉयड का एक फोल्डर मिले तो आपको उस पर क्लिक करना है। चलो मैं यहाँ पर खोल करके क्लिक करता हूँ। आप यहाँ देखिए एंड्रॉयड यहाँ दिख रहा होगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पर ऊपर दिख रहा होगा मीडिया है, आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही करना है। इसके बाद यहाँ देखिएगा कॉम डॉट व्हाट्सएप, आप यहाँ देखिए आपको यहाँ कॉम डॉट व्हाट्सएप या व्हाट्सएप डॉट कॉम हो तो आपको यहाँ क्लिक करना है। ऊपर नीचे कहीं पर भी मिल सकता है, आपको यहाँ खोज करके कॉम डॉट कॉम या व्हाट्सएप डॉट कॉम हो तो आपको यहाँ क्लिक करके इसके बाद आपको यहाँ व्हाट्सएप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा फिर से मीडिया, आपको यहाँ मीडिया पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं ऊपर में आ जाता है स्टेटस, आप यहाँ देखिए आपको यहाँ क्लिक करना है। एक मिनट पहले हमने जो स्टेटस को देखा है यहाँ पर आ चुका है। आप यहाँ देखिए जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा यही है, मैं आपके सामने दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा जो कि वही स्टेटस है जो हमने पहले दिखाया था। इसमें वॉयस है, मैं वॉयस को डाउन करता हूँ, म्यूट करता हूँ। देखिए दोस्तों वही वीडियो है जो हमने व्हाट्सएप स्टेटस में देखा था, वही स्टेटस है। आप यहाँ देखिए डाउनलोड करना है, गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ थ्री डॉट मिलेगा, आपको यहाँ क्लिक करना है वीडियो के सामने। याद रहे जो भी आप स्टेटस देखोगे व्हाट्सएप पर वो सभी यहाँ आ जाएंगे। जब आप चाहें तब आप जो है यहाँ से डाउनलोड या सेव कर सकते हैं गैलरी में या फाइल में। चलिए मैं आपके सामने सेव या डाउनलोड करके दिखाता हूँ। थ्री डॉट पर आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको यहाँ दिख रहा होगा कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करके आपको यहाँ कोई भी फोल्डर को चयन करना है जिसमें आप चाहते हैं ये वीडियो रहे, सेफ रहे। जैसे कि एक नया फोल्डर बनाता हूँ ताकि आपको बिलीव हो। हमने स्टेटस वन एंटर किया, इसके बाद कॉपी टू फोल्डर पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखिए कॉपी हो गए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं बैंक आएंगे, बैंक आ जाएंगे। बैंक आ जाने के बाद आप यहाँ इंटरनल स्टोरेज वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे जो आपने फोल्डर बनाया है या जिसमें आपने सेव किया है, डाउनलोड किया है या कॉपी किया है, आपको यहाँ खोज करके क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ प्ले करके देखना है क्या सच में हुआ या नहीं। आप यहाँ देखिए आ चुका है। इस तरह आप आसानी से व्हाट्सएप का स्टेटस को अपने गैलरी में या फोल्डर में या फाइल में सेव या डाउनलोड या कॉपी कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त।
थैंक यू सो मच।